देर रात को मिलने गए हैं छह बाकी विधायकों से, इसकी कितनी सत्यता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आपको आपसे भी आग्रह करना चाहती हूँ कि विक्रमादित्य का प्रोग्राम निकला है, आप उसको प्रोग्राम आपको पता चल जाएगा कि विक्रमादित्य कहाँ गए हैं और किस उद्देश्य से गए। दिल्ली गए हैं मैम। अब हो सकता है कुछ और उसका इशू हो, हाईकमांड से उसने मिलना हो, उनकी उन्होंने उनको फोन आया हो, उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं। तुम सोचना है कि सोनिया गांधी से मिलने गए हैं, ये सही सूचना है? हाँ, वो क्यों नहीं, हाईकमांड बुलाएगी तो हम बात करेंगे ही, उनसे जाएंगे उनके पास। एक खबर और है कि प्रतिभा सिंह जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर आप ही बता देना, काफी वायरल हो रही है ये चीजें। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, ना मेरे जहन में ऐसी बात है, ना मेरी सोच ऐसी है। मैं तो कांग्रेस की मजबूती के लिए सारा जीवन हमने काम किया है, तो अभी भी हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, सरकार को बरकरार करने के लिए हम बैठे हैं। और जो भी ग्रीवेंसेस थे वो हाईकमांड ने 3 ऑब्जर्वर्स यहाँ भेजे, उनके साथ बैठकर बड़ी लंबी वार्ता हुई है, जो भी नाराजगी है वो हमने उनके सामने रखी है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने बैठकर सभी से चर्चा की है, और ये मैं मानती हूँ कि एकदम तो सॉल्व नहीं हो सकते, धीरे धीरे टाइम लगेगा और उनको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपने बयान दिया था कि जो 6 बागी विधायक है, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, इसका लॉस कहीं ना कहीं पार्टी को हो सकता है लोकसभा चुनाव में, तो क्या कोई ऐसा संपर्क किया जा रहा है उनसे कि वापसी आए? देखिए, आई थिंक वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या निर्णय होता, क्या फैसला होता है वो अब देखने वाली बात। नाराजगी की बात यहाँ पे चल रही है कि नाराजगी पहले भी यहाँ पे रही है, चाहे कार्य छोटा सा कार्यकर्ता रहता है वो भी नाराज था, अब जो विधायक भी नाराजगी है, तो अब आने वाले समय में क्या लगता है कि ये सारी चीजें संतुलन हो पाएगी? आपने हमेशा जो है जो सरकार के सामने भी ये बात रखी कि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल आना चाहिए। इस बात से मैं शुरू से चिंतित थी। मुझे पता था कि जब हम चुनाव का सामना करते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो लोगों की क्या क्या ग्रीवेंसेस रहती है, क्या क्या नाराजगी रहती है, वो मुझे उसका आभास था। इन्हीं विषयों को लेकर मैं बार बार मुख्यमंत्री को कह रही थी कि आप संगठन के जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम किया, उनको कहीं स्थान दे, चाहे आप उनको कमिटीज में डालें, चाहे आप उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, तो शायद हम हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। परीक्षक के सामने भी आपने ये सब चीजें उठाई होंगी, हाँ, उनसे भी है कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी, अब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम किया है। देखिए, 14 महीने का समय बहुत लंबा होता है, और 14 महीने में आप इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सके, जिसकी वजह से ऐसी क्राइसिस का हमको सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारी बात की सुनवाई की होती, इन ग्रीवेंसेस को दूर किया होता, तो शायद आज ये हालात ना बनते। एनीवे, जो भी हालात है उन पर वी आर ट्राइंग कि लेट्स सॉर्ट देम आउट, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और इन सरकार जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है वो सरकार बरकरार है। ऐसे में क्योंकि अब 6 बागी हो गए, अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है, रद्द हो जाती है, फिर उपचुनाव के लिए आपको जाना पड़ेगा, 34 का आंकड़ा भी आपके पास है। इन केस क्या अगर बीजेपी उनको टिकट देती है, वो जीत जाते हैं, आपके पास जो है वो 34 के 34 ही विधायक रहते हैं, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि फिर भी सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, बराबरी का आंकड़ा पहुंचेगा? बिल्कुल, डिफिकल्टीज तो है, इस पर हाईकमान से भी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, लेट अस सी क्या परिस्थिति बनती है, क्या जो ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं इनके ऊपर कोर्ट भी क्या संज्ञान लेती है, और इन्होंने क्या मन बनाया है, उस जब वो सारी बातें खुल के सामने आएगी फिर हम उस पर। मुख्यमंत्री का वीडियो चेंज करने की यहाँ पर बात की जाती है, क्या ये इस तरह की भी चर्चा यहाँ पर हुई? नहीं, पर वो आलाकमान ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ही विल कंटिन्यू। एक सवाल और है, अब बीते कल सीएम साहब ने कहा है कि जो स्टैचू की मांग कर रहे थे, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेरे पिता है, 6 मरतबा सीएम रहे, 2 के जमीन नहीं मिल पाई, उन्होंने कहा कि इस पर हम आगे बढ़ेंगे, स्टैचू बनाया जाएगा, इसको किस तरह से देखेंगे? वो तो उन्होंने कई बार कह दिया, ये कोई विक्रमादित्य का ही सवाल नहीं है। इस बात को पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती थी कि जिस इंसान ने इतना कुछ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए किया है, वो कम से कम एक मूर्ति लगाना कौन सी बड़ी बात थी, मूर्ति के लिए भी लोग कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे, उनको ये खुशी होती भी हमने भी इसमें थोड़ा अंशदान दिया है, तो पीपल वर रेडी, वी वर नॉट आस्किंग कि आप मूर्ति लाके दो और करो, दैट पीपल वुड हैव डन, ओनली बात थी उस थोड़ी सी जमीन की कि जो लोग चाहते थे इतनी जमीन मिल जाए, उनकी मूर्ति लग जाती है, इशू होना ही नहीं था। विक्रमादित्य सिंह का एक और सवाल था कि मुझे कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो अब क्या श्योरिटी बनी है डॉक्टरों से बातचीत हुई है कि उनके विभाग में दखलबाजी नहीं दी जाएगी? हुआ ना ऐसा, तभी उसने थोड़ी नाराजगी जाहिर की, वो उन्हीं की बात नहीं है, दूसरे मिनिस्टर्स की बात भी ऐसी है। अगर आप ही की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, आपने उनको मिनिस्टर बना, गिव देम अ फ्री हैंड एंड लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग इन द फील्ड, वो भी कांग्रेस की बेहतरी के लिए काम करना था ना उन्होंने, पर अगर आप उनके ऊपर थोड़ा मतलब उनको फ्री हैंड नहीं देंगे तो फिर वो आगे जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उसमें बहुत सी बाधाएं आ जाती है, तो ये एक इशू था। अब चीजें सेटल हो गई हैं जिस तरह से आप भी कह रही थी, अब जो है सामंजस्य बैठ गया है, लेकिन अगर इसी तरह का आगे भी चलता रहा, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि उतना तालमेल नहीं बन पाया है, तो भविष्य में भी एक खतरा फिर से पैदा हो सकता है हाईकमान को इसमें संज्ञान लेने की? देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 ऑब्जर्वर्स यहां आए थे उन्होंने बात की है हाईकमांड से, हाईकमांड हमारे को बुलाएगा, हम उनसे उनके ध्यानार्थ भी ये बात लाएंगे कि जी ये इश्यूज थे, अब आप बताएं क्या किया जाए, जो उनका हुक्म होगा उसके मुताबिक ही।